माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फजल। आज हम आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के छोटे से गांव में, जिसका नाम ग्राम बास्ता है। और यहां पर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी देने वाला हूं, क्योंकि यहां पर गन्ने की खेती बहुत ही होती है, गन्ना मशहूर है यहाँ पर, तो उसकी हम रेसिपी देंगे। आज दिखा देता हूँ कि यहाँ पर गन्ना जो है बहुत ही अच्छी तादाद में होता है। आप देख सकते हैं कि पूरा गन्ने का एक खेत है यहाँ पर। ये तरह तरह के गन्ने होते हैं, इनकी कई किस्में होती हैं गन्ने की। ये देखिए, यहाँ पर एक कोल्लू है पास में, और यहाँ पर बहुत सारा गन्ना है। जो चीज़ हमें रेसिपी के लिए चाहिए थी, गन्ने का रस, यानी हम आज बनाएंगे रसावड़। हम रसावड़ बनाएंगे, रसावड़ यानी हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलें तो गन्ने के रस की खीर। तो हमें लोकेशन भी बहुत अच्छी मिल गई है इसके लिए, तो आइए हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये अंकल यहाँ पर गन्ने का रस, ये रस यहाँ पर आके गर्म होता है। हमें बेनिफिट ये है कि हमें जो है यहाँ पर गर्म गर्म रस मिल गया, ये जिससे कि ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं था। और यहाँ पर ये इससे गुड़ बनाया जाता है। ये देखिए, ये गर्म होकर इसमें जाएगा, फिर इससे उसमें जाकर गुड़ बनता है। यहाँ पर गुड़ बना हुआ है बहुत सारा। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे गन्ने के रस की खीर। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं रसावड़। ये हमने गन्ने का रस चढ़ा दिया इस पर खीर बनाने के लिए। अभी हम इसमें खौलाने देंगे, उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसके ऊपर जो काला काला की झाग आ रहा है, हम उतार दें। कम मसाले का, मसाले लगेगा, मीठा आ रहा होगा अब तो। बढ़िया गन्ना रसगुल्ला ना आ रहा अभी तक। ऐसे ही हम उतार लेंगे, और इसके लिए अगर आपके पास चुकलाई नहीं है तो चुकलाई डालनी पड़ती है थोड़ी सी। अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा दूध लेना, उसमें ही जितना दूध लोगे उतना पानी मिलाकर थोड़ा थोड़ा डालना, तो इसके ऊपर का जो काला काला होगा मैल, वो निकल जाएगा। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये हमारे कम से कम 8 लीटर हमारे पास ये जो है रस है, तो इसमें हम 3 पाव के आसपास चावल ऐड करेंगे, 750 ग्राम। ये हमारे पास भिगे हुए चावल हमने भिगोने को लेके, ये नॉर्मली चावल है, मोटा चावल। और इस हम चला देंगे। देखिए, अभी हमारे इसमें अच्छे से खोल आ रहा है, तो हम इसे चलाएंगे भी। अभी हमारे चावल गलेंगे सही से, जब हमारे चावल गलेंगे तो हम इसे घोट देंगे, या तो चम्मच की मदद से हम इसे सबको घोट लेंगे, या फिर हमारे पास यहाँ पर एक घोटा कराया जाता है, उससे हम घोटेंगे। जब घोटेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम घोटेंगे।
ये अब हम घोट रहे हैं इसे। इसमें हमने नारियल और मूंगफली के दाने डाले, फिर हम इसे अच्छे से घोट देंगे। अभी हमने इसे दोबारा पकने के लिए रख दिया है, मूंगफली और नारियल डालकर। अभी हमें थोड़ी देर पकाना है इसे। चिकन दोबारा से घोट के ये हमारी तैयार हो गई रसावल, गन्ने के रस की खीर। और इसका कलर ऐसा होता है, इसमें यह है जितना इसका ऊपर का झाग उतारोगे आप उतने ही वाइट होती चली जाएगी। हमारे इसका कलर ऐसा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। मैं इसे आपको सर्व करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ सर्व नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इससे जो हम सर्व करते हैं वो दूध के साथ करते हैं। मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगा। हम एक बाउल में गन्ने के रस की खीर लेंगे और ऊपर से गर्म कर कर दूध डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये रेडी है गन्ने के रस की खीर खाने के लिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।